वार्ड मेंबर का चुनाव हारने से बौखलाए पूर्णियापुर प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 वार्ड मेंबर उम्मीदवार रिंकी शाह के परिजनों ने उम्मीदवार सीता देवी की जमकर पिटाई कर दी, जिनका उपचार पूर्णिया के सदर अस्पताल में चल रहा है। रिंकी देवी के परिजनों का कहना है कि सीता देवी ने ही वोट काटकर उसे चुनाव जीतने से वंचित कर दिया। चुनाव हारने से बौखलाए रिंकी देवी के परिजनों में मिलन शाह, सपन शाह, अरुण शाह और आलो शाह पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उम्मीदवार सीता देवी ने सदर थाना में लिखित शिकायत की है। सीता देवी ने आरोप लगाया कि उसे चुनाव नहीं लड़ने के लिए 50,000 रुपये का लोभ भी दिया गया था, किंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और चुनाव लड़ गई, जिसमें उसकी भी हार हुई और रिंकी शाह भी चुनाव हार गई। चुनाव हारने से रिंकी शाह के परिजन काफी गुस्सा गए और चुनाव हारने का आरोप उस पर लगाते हुए उसके साथ मारपीट प्रारंभ कर दी और उसे बुरी तरह मारा गया और तमाम आरोपियों के खिलाफ उन्होंने पूर्णिया के सदर थाना में लिखित शिकायत कर दी है। फोन किए कि हॉस्पिटल के भर्ती हो गया, मम्मी जल्दी आ, तो हम लोग आए हॉस्पिटल देखने के लिए। मम्मी पूरा सीरियस था, तो देखने के लिए आए तो देखने पूरा सीरियस है, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया हुआ है। पता चला किस कारण से मारपीट हुई? जी सर, बोला कि इलेक्शन में उठे हैं इसलिए सब बोल रहा है कि मार देंगे इसको, पैसा का धमकी दिया, पैसा नहीं लिया तो मार दिया। तो उनका क्या कहना है, ये इन्हीं कारण चुनाव हार गया वो? ये तो हम लोग को नहीं पता सर, लेकिन मम्मी लोग का कहना है कि उन लोग का साथ नहीं दिया इसीलिए मारपीट किया। मेरे पापा थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं ना, तो सबको अच्छा नहीं लगता है, सोचता है कि ये बोलता तो मेरे तरफ तो हम अच्छा से जीतते, ये खुद उठ गया तो हम लोग हार गए, यही सोचा। जब हम भी हार गए तुम भी हार गया तो इसमें क्या बात है, पर ये नहीं सोचता है ना। जो उनको लगता है क्या भरा दिया? जी सर यही लगता है। मैं मम्मी को धमकी भी दिया कि तुमको मार देंगे। जितने वाले से पैसा तो नहीं लिए थे आप लोग? नहीं, हम लोग किसी से पैसा नहीं लिए सर। आप लोग दो गो मामडन था, एक झारूल था आ एक फिरोज था, तक फिरोज आलम, तकर बाद ये पिंकी देवी शाह, तकर बाद था हम, तकर बाद वो अथी वाला था मुसहरी के लोग इंदिरा देवी। हम लोग पांच आदमी चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के लिए किसी से पैसा नहीं लेते, वोट कटवाने नहीं थे? नहीं, हम लोग किसी मात्रे हमको 33 वोट मात्रे दिया जनता ने हमको। डॉक्टर साहब बोला छुट्टी देते हैं, आप जाइए केस कर दीजिए। और केस करने जा रहे हैं? हाँ, हम केस करने जा रहे हैं सदर थाना में, हम केस करने जा रहे हैं।